दोस्तों, खिलौने हमारे बचपन का एक अभिन्न हिस्सा है। खिलौने न केवल बच्चों का मनोरंजन करते हैं बल्कि उन्हें उनकी कल्पना और निपुणता को डेवलप करने में भी सहायता करते हैं। बचपन की यादों में खिलौने की जगह कोई दूसरी चीज हो ही नहीं सकती, जिसके कारण खिलौने का बिजनेस सालों साल चलता रहा है और भविष्य में भी चलता रहेगा, और यह बिजनेस को इंडियन गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। दोस्तों, ऐसे में अगर आप खिलौने का बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपका निर्णय एकदम सही है और इस बिजनेस में आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपको ऐसे मार्केटिंग आइडियाज बताऊंगा जिसे आप किसी भी बिजनेस में अप्लाई करके बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। आज के अनबॉक्स फैक्ट्री के वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप यह 5 स्टेप्स को फॉलो करके भारत में खिलौने मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। खिलौने के बिजनेस को सरकार मेड इन इंडिया अभियान के तहत भारत में बनाए गए प्रोडक्ट को ज्यादा बढ़ावा देना चाहती है, जिसकी मदद से खिलौने के व्यापार को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। दोस्तों, नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी के अनुसार भारत में खिलौना उद्योग का मार्केट करीब 1.5 अरब डॉलर का होने का अनुमान लगाया गया है। अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवा बिजनेसमैन से खिलौने क्षेत्र में इनोवेशन पर फोकस करने का आग्रह किया, क्योंकि भारतीय खिलौना बाजार में काफी पोटेंशियल है। दोस्तों, सबसे पहला स्टेप है मार्केट रिसर्च। दोस्तों, खिलौने बनाने का बिजनेस शुरू करने से पहले आपको मार्केट रिसर्च करना जरूरी है। भारत में खिलौना निर्माण व्यवसाय शुरू करने से पहले इस व्यवसाय के बारे में अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना जरूरी है, और ये जानना जरूरी है कि भारत की मार्केट में किस तरह के खिलौने की डिमांड सबसे ज्यादा है। इसके लिए दोस्तों, आप खुद मार्केट में जाकर देख सकते हैं या फिर किसी अनुभवी शॉप वाले से और पता लगाना होगा कौन सा टॉय सबसे ज्यादा सेल किया जाता है, और उस शॉप वाले के पास से यह खिलौने का डेमो लेकर उस पर रिसर्च करके आप अपना यूनिक प्रोडक्ट बना सकते हैं। साथ ही आप उस दुकानदार से अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट सप्लाई करने के लिए भी डील कर सकते हैं, जिससे आपको प्रोडक्ट को एक बूस्ट मिल सके। दूसरा तरीका कि आप ऑनलाइन की मार्केट रिसर्च कर सकते हैं। ऑनलाइन रिसर्च करने के लिए आप गूगल ट्रेंड, गूगल कंज्यूमर सर्वे इत्यादि फ्री ऑनलाइन स्रोतों का इस्तेमाल करके जान सकते हैं कि लोग क्या ढूंढ रहे हैं और उनकी क्या मांग है। दोस्तों, यदि आपका बजट कम है तो आप किसी विशेष इंडस्ट्री, प्रोडक्ट, सर्विस की जानकारी फोरम वेबसाइट से भी जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। इन वेबसाइट में लोग हर तरह के प्रश्नों पर आपकी राय देते हैं, इसलिए आप चाहें तो कोरा, रेडिट जैसी वेबसाइट पर प्रश्न डालकर लोगों की राय भी ले सकते हैं। दूसरा स्टेप है इनोवेशन, इससे चमकेगा बिजनेस। दोस्तों, टॉय मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए केवल इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ जरूरत है तो बस क्रिएटिविटी की। इसके दम पर आप मार्केट में सफल हो सकते हैं। अगर आप ग्राहकों को यूनिक खिलौने उपलब्ध करवाएंगे तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी खूब बढ़ेगी। इस बिजनेस में कुशल कार्यबल, विविध रेंज, इनोवेशन, क्रिएटिविटी होना आपके इस बिजनेस को अच्छा खासा बूस्ट दे सकता है। आप सॉफ्ट टॉयज से लेकर प्लास्टिक या फिर बैटरी से चलने वाले खिलौने भी अपने हिसाब से इनोवेशन करके लोगों को अपना नया खिलौना पेश कर सकते हैं, जिसके कारण इसकी बिक्री ज्यादा होने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, 21वीं सेंचुरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का युग है, तो आप रिसर्च करके रोबोटिक टॉयज का इनोवेशन भी कर सकते हैं। जैसे रोबोटिक खिलौने खेल खेल में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बारे में बच्चों को सिखाता है। इसको ध्यान में रखते हुए आप अपने हिसाब से सेंसर आधारित खिलौनों का इनोवेशन कर सकते हैं। रॉ मटेरियल सिलेक्शन। दोस्तों, खिलौने बनाने के लिए आपको कच्चे माल की आवश्यकता होगी, और यह कच्चा माल आप अपनी जरूरत के हिसाब से होलसेल से कम दामों पर खरीद सकते हैं। खिलौने में उपयोग किया जाने वाला मुख्य घटक प्लास्टिक है। जनरली पॉली इथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलीन, नायलॉन, ग्रेन्यूल्स, पॉलीस्टीरीन और पॉली कार्बोनेट जैसे रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी आप अपना इनोवेशन ला सकते हैं, जैसे कि आप रॉ मटेरियल में कुछ केमिकल इस्तेमाल करके अपनी खिलौने ज्यादा सॉफ्ट और अच्छा कलर दे सकते हैं। दोस्तों, आप अपने बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए रॉ मटेरियल सस्ते दाम में खरीद सकते हैं, जिससे आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तीसरा स्टेप है विशिष्ट बाजार ढूंढना, फाइंड योर नीच, या खिलौने की श्रेणी का चयन करना। दोस्तों, भारत में टॉय मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक ही समय में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी और कॉम्पिटिशन के साथ विकास कर रहा है। टॉय बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको ये जानना होगा कि आपके विशिष्ट बाजार में सफल होने के लिए क्या करना होगा। दोस्तों, आपको यह निर्णय लेना होगा कि आप सॉफ्ट टॉय का निर्माण करना चाहते हैं या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक खिलौने के प्रोडक्ट पर काम करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो रिसर्च करते समय जो स्थानीय लोगों की पसंद सामने आई हो उसी के मुताबिक कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में आपको अपने खिलौने उसी शहर या और कुछ नजदीकी शहरों में बेचने की जरूरत होगी। एक विशिष्ट बाजार ढूंढना न केवल आपको अपने टारगेट कस्टमर देता है बल्कि उनकी जरूरत और प्रेफरेंस को भी पूरा करने का नॉलेज देता है। दोस्तों, आप इंडियन कल्चर को ध्यान में रखते हुए राम, शिव और हनुमान भगवान के
खिलौने का प्रोडक्शन कर सकते हैं। और आप शक्तिमान, शाकाला का बूम बूम, पेंसिल जैसे लोकल फेमस फिगर के ऊपर खिलौने बना सकते हैं। इस प्रकार के फेमस खिलौने बनाने से कस्टमर आपके खिलौने को ज्यादा खरीदेंगे। चौथा स्टेप है टॉयज मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स। दोस्तों, मशीनरी की सिलेक्शन खिलौने की कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। टॉय इंडस्ट्री में जनरली तीन टाइप के मशीन इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। नंबर 2, ब्लो मोल्डिंग मशीन। नंबर 3, सिलाई मशीन। ज्यादातर खिलौनों को ब्लो मोल्डिंग मशीन और इंजेक्शन मशीन से बनाए जाते हैं। इस मशीन से आप खिलौने के साथ साथ बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। नंबर 1, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से आप सॉलिड टॉय बना सकते हैं। यह मशीन से अलग अलग डाई का इस्तेमाल करके अलग अलग रंग, आकार और साइज के खिलौने को बनाया जा सकता है। प्रोडक्ट फ्रॉम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस मशीन से आप आमतौर पर सख्त टॉय का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, जैसे कि कार टॉय, गन, जेसीबी, किचन टॉय और पजल टॉय आदि टॉयज बना सकते हैं। बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इस मशीन में आपको करीब 12 से 14 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। नंबर 2, ब्लो मोल्डिंग मशीन। दोस्तों, ब्लो मोल्डिंग द्वारा खोखली प्लास्टिक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। बात करें इस मशीन की प्रोसेस की, तो सबसे पहले हॉपर से प्लास्टिक के रॉ मटेरियल एक्सट्रूडर बैरल के अंदर पहुंचते हैं। उसके बाद डाई से होते हुए प्लास्टिक को बाहर पंप किया जाता है और बाहर निकलते समय यह प्लास्टिक ट्यूब के आकार का होता है। फिर एक हॉट प्लेट उसे कट करता है और ब्लोइंग नोजल की मदद से हाई प्रेशर हवा को ब्लो किया जाता है, जिससे प्लास्टिक मोल्ड के हिसाब से खुल जाता है। प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लो मोल्डिंग मशीन। दोस्तों, ब्लो मोल्डिंग मशीन की मदद से आप प्लास्टिक बैट, बॉल, प्लास्टिक हैमर जैसे खोखले प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। दोस्तों, ब्लो मोल्डिंग मशीन को खरीदने के लिए आपको करीब 15 से लेकर 16 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों, इसके अलावा ब्लो मोल्डिंग की मदद से आप एग्रीकल्चर बॉटल्स, फूड बॉटल्स, फार्मा बॉटल्स और ऑटोमेटिव प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। नंबर 3, इंडस्ट्रियल सेविंग मशीन। अगर आप हाथ से और सेमी ऑटोमेटिक मशीनरी इस्तेमाल करके टेडी बियर जैसे खिलौनों को बनाना चाहते हैं, तो आप वह भी बना सकते हैं। दोस्तों, टॉय हाथ से बनाने के लिए आप सेविंग मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार के टॉय बनाने में खास कर कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोडक्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियल सेविंग मशीन। इस मशीन की मदद से आप टेडी बियर, पंछी और एनिमल के सॉफ्ट टॉय का प्रोडक्शन कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट फॉर इंडस्ट्रियल सेविंग मशीन। दोस्तों, सेविंग मशीन को खरीदने के लिए आपको करीब 20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। पांचवा स्टेप है मार्केटिंग। दोस्तों, मार्केटिंग सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मार्केटिंग से आपके स्टार्टअप को इनिशियल बूस्ट मिलता है। मार्केटिंग से ज्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे और आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। मार्केटिंग के लिए सबसे पहला तरीका यह है कि आप लोकल डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्टैक्ट करके अपने टॉय को उसे बेच सकते हैं, या फिर लोकल टॉय शॉप जहां पर ज्यादा टॉय बेचे जाते हों वहां जाकर अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। दूसरा तरीका है प्रिंटिंग सेक्शन, जो कि आमतौर पर उपयोग किया जाता है। इसमें आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बैनर बनाकर, होल्डिंग लगाकर अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कर सकते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग ये प्रोडक्ट को जान सकें। आप बस रिक्शा और दूसरे पब्लिक व्हीकल्स पर अपना पोस्टर लगाकर मार्केटिंग कर सकते हैं। तीसरा तरीका है डिजिटल मार्केटिंग। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे सोशल साइट पर इसकी डिटेल शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन सोशल मीडिया एड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूबर से मिलकर उनके अपनी प्रोडक्ट समझा सकते हैं। अगर उनको आपका प्रोडक्ट पसंद आए तो अपने प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग का वीडियो बना सकते हैं, ऑनलाइन यूट्यूब में रिव्यू भी कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखना, अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी डेसिंग यूनिक होगी तो जरूर यूट्यूबर आपके प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग करेंगे। दोस्तों, आपको यह मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करने के 5 स्टेप्स जरूर फायदेमंद साबित होंगे। आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। क्या पता किसी को अपने बिजनेस के लिए नया बिजनेस आइडिया मिल जाए। अगर आप हमारे चैनल पर यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो नीचे वाला रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत पाएं। मैं मिलता हूं एक और बेहतरीन बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।